चंद्रयान 3 इसके वर्किंग डेज तो वैसे खत्म हो गए, लेकिन अगर टाइम में थोड़ा पीछे चले, जब चंद्रयान 3 ने लूनर सरफेस पर लैंड किया था तब सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शंस थे। कुछ लोगों को मजबूरी वश अपने मीम्स को बदलना पड़ गया और कुछ लोग खुशी से पड़ाके फोड़ रहे थे। और अभी हमने चंद्रयान 3 की खुशी को खत्म नहीं किया था कि चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 को भी इसरो ने लॉन्च कर दिया। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद्रयान 4 भी लॉन्च करने वाली है इंडिया, जिसमें केवल इंडिया ही नहीं होगी बल्कि अमेरिका का नासा, यूरोप का इसरो, जापान का जैक्सा और इंडिया का इसरो भी शामिल होगा। अब ये तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे देश अपना पूरा बेस्ट देंगे एक ही मिशन में और उसे अपने चंदा मामा पर भेजेंगे तो उसकी कैपेबिलिटी सारे चंद्रयान से ज्यादा ही होगी। अब आई नो, इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपके मन में ये क्यूरियोसिटी तो जरूर उठ रही होगी कि आखिर इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, इस पर कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, दूसरे देश हमें क्या प्रोवाइड करेंगे और क्या इससे हमें कोई फायदा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिनके आंसर मैं आज आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, पहले के जो भी चंद्रयान मिशन हुए हैं ना, उन सब में जो मेजर्स ऑफ पार्ट्स होते थे चंद्रयान के, उन्हें इंडिया खुद ही मैन्युफैक्चर करता था। लेकिन अब इस बार चंद्रयान 4 के रूल्स थोड़े से अलग होने वाले हैं, और क्योंकि ये जॉइंट मिशन है इसीलिए कुछ लोग इस मिशन को लूपेक्स भी कह रहे हैं। अब देखिए, इस मिशन की बातें चंद्रयान 3 के बहुत पहले से ही हो रही थी। इवन 2017 में ही इंडिया ने जैक्सा के साथ एक इम्प्लीमेंट भी साइन किया था, जिससे इस मिशन के प्रीफेस ए और फेस ए पर काम शुरू किया जा सके। और 3 महीने की डिस्कशन के बाद फाइनली मार्च 2018 में इन दोनों ही देशों ने मिलकर एक फेजिबिलिटी रिपोर्ट भी दुनिया के सामने एक्सपोज की थी। अब फेजिबिलिटी रिकॉर्ड एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसके अंदर उस मिशन की कॉस्ट, उस मिशन के फायदे, उस मिशन की इम्प्लीमेंटेशन डेट, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन दिए होती है। अब देखिए, इसी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें ये भी मिली कि ये जो सारी एजेंसीज लूपेक्स को लॉन्च करने वाली हैं, वो ये चाहती है कि इस मिशन के माध्यम से वो साउथ पोल पर मौजूद पानी और उसकी क्वालिटी के बारे में जान पाए। और आज के टाइम पर हर एक बड़ा देश मून पर बस्ती बसाने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या हम कैपेबल हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेस हैं जिससे हम वहाँ पर बस्ती बसा पाएंगे या फिर नहीं। और ये सारी चीजें पता लगाने के लिए हमें खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों से एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब चंद्रयान 3 पहले ही साउथ पोल पर लैंड करने का माइलस्टोन अचीव कर चुका है और वहाँ के सॉइल कॉम्पोजिशन और वाटर के बारे में काफी कुछ पता लगा चुका है, तो वहाँ पर लूपेक्स का क्या ही काम बचा। अब देखिए, आप इसी पॉइंट पर चूक गए। दरअसल जो हमारा चंद्रयान 3 है वो एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं उतरा है बल्कि साउथ पोल के रीजन पर उतरा है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि मून के एग्जैक्टली साउथ पोल पर काफी ज्यादा पानी रिजर्व है आइस के फॉर्म में। और चंद्रयान 3 के साथ दिक्कत ये थी ना कि वो बिना सूरज की लाइट के काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे चंद्रयान 3 को साउथ पोल के रीजन में लैंड करा दिया गया, वैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर को साउथ पोल पर भी लैंड करा सकते थे। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये थी ना कि वहाँ पर कभी भी दिन होता ही नहीं है, वो एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है मून का जहाँ पर कभी भी सूरज नहीं निकलता, और यही एक कमजोरी थी चंद्रयान 3 के साथ, जिसकी वजह से उसका वर्किंग पीरियड भी सिर्फ 14 दिनों का ही था। अब देखिए, दिसंबर 2018 में इन दोनों ही देश के बीच में ये डिस्कस हुआ कि अगर चंद्रयान 2, जो कि भारत का ओन मिशन था, वो लूनर सरफेस पर फाइनली लैंड कर जाता है तो आगे के आने वाले मिशन में जापान भी अपने कई सारे एफर्ट्स लगाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं, लेकिन लकीली इंडिया ने बिना टाइम गवाए हुए केवल 615 करोड़ रुपए में, जहां पर कई सारी फिल्में भी ढंग से नहीं बन पाती, अपना झंडा चांद पर गाड़ दिया। और चंद्रयान 2 के फेल के बाद जब ये मिशन की बातें होल्ड पर चली गई थी, फिर से ये बातें बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच नासा का इंटरेस्ट इस मिशन में बढ़ा और 24 सितंबर 2019 को नासा ने भी इस मिशन में अपनी एंट्री ली। अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि कैसे अलग अलग देशों ने इस मिशन के बीच में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये अलग अलग देश इस मिशन में क्या एफर्ट लगा रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
देखिए पहले तो ये चारों देश इन रिसर्च में लगातार लगे हुए हैं कि वो कैसे इससे इक्विपमेंट्स को डेवलप करें जो कि -180 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सके और वो सूरज पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ पोल पर कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती सन की। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बेसिस पर अलग अलग देशों को अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब क्योंकि इंडिया तो हमेशा से ही कम बजट में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस मिशन के लिए लैंडर डिजाइन करने के लिए इसरो को दिया गया है और उससे यही उम्मीद है कि वो फिर से कम बजट में बहुत अच्छे रिजल्ट समेत देगा। और जैसे कि इस मिशन में एक मेजर इक्विपमेंट्स का जिम्मा इंडिया ने उठा रखा है, वैसे ही एक दूसरे मेजर इक्विपमेंट जिसकी वजह से ये पूरा मिशन ही अधूरा हो जाएगा वो रहता है रोवर। तो रोवर को मैन्युफैक्चर करने का और उसे एडवांस बनाने का जिम्मा जैक्सा उठाएगा, और कई बार ऐसी रिपोर्ट्स निकला करती हैं कि लॉन्च व्हीकल का भी जिम्मा जो है जैक्सा अपने सर पर ही लेगा, लेकिन इसकी कुछ कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। अब इसीलिए लैंडर के अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी सेट किए जाएंगे कुछ पेलोड्स की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर लैंडर एकदम सटीक लैंडिंग कर पाए, जिसको जापान ने अपने प्रीवियस मून मिशन स्लिम में भी यूज किया था। लेकिन इसरो के पास इस बार एक और टास्क है जिसमें उसे अपने लैंडर को कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि वो 350 किलो तक के वेट को संभाल सके, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 में हमारा जो प्रज्ञान रोवर था वो सिर्फ 26 किलो का था, लेकिन अगर वेट की फ्रीडम जापान को दी जाएगी वो भी 350 केजी तक, तो वो काफी एडवांस रोवर को बना पाएगा। और जैसा कि अब तक हमने पेलोड्स की बात नहीं की है, तो आइए पेलोड्स की भी बात करते हैं, क्योंकि किसी भी मिशन में पेलोड का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सबसे पहला पेलोड है जो कि इसरो की तरफ से दिया जा रहा है, वो है ग्राउंड पेनिरेटिंग रडार, जो कि जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई से ही जमीन को स्कैन कर उसका डाटा धरती तक पहुंचाएगा। और फिर रोवर के अंदर न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया जाएगा जो कि नासा के तरफ से दिया गया है, जो कि रोवर के चलते टाइम उसके नीचे के सरफेस में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और ईएसए के द्वारा दिया गया एक पेलोड जिसका नाम है एक्सोस्फियर मास स्पेक्ट्रोमीटर एल बैंड। अब वैसे तो इस पेलोड को लूनर 27 में दिया जाने वाला था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद, क्योंकि रशिया के संबंध पूरी दुनिया से ही खराब है, इसीलिए लूनर 27 से हटाकर इसे चंद्रयान 4 में भी लगाया जा सकता है। इसके बाद इसमें दिया जाएगा एडवांस लूनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि EMSL के साथ मिलकर सरफेस प्रेशर को डिटेक्ट करेगा और उनके मिनरल्स के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसके बाद के कई सारे मेजर पेलोड्स जैसे कि परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर मून, उसे भी इंडिया की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर जो कि अल्फा पार्टिकल्स को स्टडी करेगा और डीके चेन को भी स्टडी करेगा, उसे भी इंडिया के द्वारा ही दिया जा रहा है। लो एनर्जी गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि वहाँ के लो गामा रेस को स्टडी कर वहाँ के हैबिटेट के चैलेंजेस को हमें स्टडी कर बताएगा, उसे भी इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। लूनार माइक्रोमीटियोराइट एक्सपेरिमेंट, जो कि मून पर गिरने वाले माइक्रो म्यूटियोराइट्स के डायमेंशन, उनके कॉम्पोजिशन और भी कई सारी चीजों को हमें स्टडी कर बताएगा, उसे भी हमारा भारत ही प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ तक कि लूनार इलेक्ट्रोस्पेटेटिक डस्ट एक्सपेरिमेंट भी इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मून पर मौजूद डस्ट चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। और इतने सारे पेलोड्स को हमारा भारत ही प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मिशन में लैंडर को देने के अलावा भी कई सारे क्रूशल पेलोड्स को देने का योगदान हमारा भारत ही कर रहा है, जिसके बिना भारत पर ये मिशन लैंड करना और वाटर की रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। अब इस साल की शुरुआत से ही इस मिशन को संभव बनाने के लिए काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं हमारे भारतीय और दूसरे देश के वैज्ञानिक भी, जिसकी वजह से जैक्सा की 11 लोगों की टीम भी इंडिया आई थी। अब इसके बाद भी क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, अगर चंद्रयान 4 सच में लॉन्च किया जाता है और वो सक्सेसफुली लैंड हो जाता है लूनर सरफेस पर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी, और एक बार फिर हम गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम भारतीय हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।